अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल है आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अभी आ गया हूँ कार संडे बाज़ार। आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आसानी भाई कार संडे बाज़ार का विजिट करें, तो फाइनली आ गए। आप देखते हैं कि क्या प्राइस चल रही है कारों की, कार संडे बाज़ार में क्या प्राइस चल रही है गाड़ियों की, और हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो एंड तक देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो हमारे पास गाड़ी है वो है सुजुकी कल्टक्स VXRi और 2011 का मॉडल है। बाहर से गाड़ी तकरीबन क्या हो सकता है 20-30% टचअप है। इसके बाद लावा गाड़ी जेन्युइन है, वाइट कलर में है और टायरों की कंडीशन तकरीबन की 70-60% तक गुड नज़र आ रही है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। और गाड़ी अच्छी कंडीशन की है, बाहर बॉडी वाइज कोई काम नहीं है, कोई स्क्रेचेज नहीं है बाहर। फिर भी आप लोग लेते वक्त गाड़ी को सही तरह से चेक कर लीजिएगा। मैं पूरी गाड़ी विज़िट करा देता हूँ आप लोगों को बाहर से। गाड़ी माशाल्लाह अच्छी कंडीशन में है बाहर से। 2011 का मॉडल है सुजुकी कल्टस VXRi। और दरवाज़ों साइड में आप लोगों को दिखा देता हूँ गाड़ी माशाल्लाह अच्छी। गेट थोड़ा सा लो के मैं इस साइड वाला मैं खोल के आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो माशाल्लाह गेट की साइड से देख सकते हैं हम लोग, डोरियाँ वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन नज़र आ रही होंगी आप लोगों को। और अंदर से पूरी गाड़ी है जेन्युइन है। तो छत की साइड से देखते हैं गाड़ी की जिस तरह से, और कोई स्क्रेचेज नहीं है बाहर से। बाकी रूम साइड में आप लोगों को दिखाया था रूम क्या कंडीशन है इस गाड़ी का। तो रूम से माशाल्लाह ये गाड़ी इस तरह है, और कोई एक्सीडेंटल गाड़ी नज़र नहीं आ रही मुझे। फिर भी आप लोग लेते वक्त गाड़ी को सही तरह से चेक कर सकते हैं। EFI इंजन में है, 2011 का मॉडल है, और गाड़ी बाहर से तकरीबन 20-30% तक टचअप। तो पढ़ते हैं ओनर की तरफ और पूछते हैं क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी और कितने में ये फाइनल देंगे गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम, क्या डिमांड कर रहे हैं सर? 9 लाख। कमी पेशी हो जाएगी रेट में अगर कोई आपसे रब्ता करेगा तो? जी बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, टैक्स वगैरह पेड है इसका? जी। कितने ओनर में सर गाड़ी है? थर्ड ओनर। कितना चली हुई सर ये गाड़ी? 56,000 किलोमीटर चली हुई। लोकेशन कहाँ की है सर गाड़ी की? पुलिस थाने जौहर की। ठीक है सर, नंबर बता दीजिए अपना। 0345-0345-88-9666। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? जुनैद भाई। तो किसी भाई को अगर गाड़ी समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो आप लोग जुनैद भाई से रब्ता कर सकते हैं। नंबर मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, और प्राइस में भी थोड़ी बहुत कमी पेशी हो जाएगी। कोई काम वगैरह तो नहीं है गाड़ी में सर? अच्छा, ये AC वगैरह सही वर्किंग में? ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो अस्सलाम वालेकुम, ये गाड़ी है सुजुकी मेरान VXR, और गाड़ी 2016 का मॉडल है। गाड़ी बम्पर टू बम्पर जेन्युइन बता रहे हैं भाई। इस तरह अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कंडीशन गाड़ी की, ये मुझे ओनर ने बताई गाड़ी टोटल जेन्युइन है। तो 2016 का मॉडल है। अगर आप लोग गाड़ी की परचेज़ करना चाहते हैं तो नंबर वगैरह मिल जाएगा आप लोगों को एंड में, और प्राइस क्या है इसकी वो मैं आप लोगों को एंड में बता दूंगा। तो गाड़ी माशाल्लाह साफ़ सुथरी कंडीशन में, VXR AC वाली गाड़ी है, और माशाल्लाह गाड़ी में बाहर से काम नहीं है, स्क्रेचेस नहीं है। टायरों की कंडीशन तकरीबन की 70-80% तक गुड नज़र आ रही है। नॉर्मल स्टेपनी वाले टायर लगे हुए हैं, और गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में है। दरवाज़ों की साइड में एक बार दिखाया तो आप लोगों को, ये देख सकते हैं आप लोग गाड़ी दरवाजे वगैरह सही हैं, और थ्रू पेट्रोल पर गाड़ी सीटों पे कवर वगैरह इंस्टॉल करवाए हुए हैं भाई ने। बाकी इंजनों में आप लोगों को विज़िट करा देता हूँ। तो रूम से कुछ इस तरह से है गाड़ी। तो ये देख सकते हैं आप लोग Euro 2 के इंजन में, और ये टिकली साइड गाड़ी की। बाकी जंप साइड देख सकते हैं आप लोग। बाकी प्राइस क्या है वो भाई से मिलकर पूछ लेते हैं। गाड़ी टोटल जेन्युइन कंडीशन में, अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या डिमांड करें सर? 7.5 2016 का मॉडल है। कमी पेशी हो जाएगी रेट में अगर कोई आपसे रब्ता करे तो? कितना चली हुई गाड़ी सर ये? 75। और कितने ओनर में? फर्स्ट ओनर में। टैक्स वगैरह पेड है इस गाड़ी का? कोई काम वगैरह तो नहीं है गाड़ी में? AC वगैरह वर्किंग में? ठीक है सर, नंबर बता दीजिए बस अपना। 0300-38-50-756। क्या नाम है आपका सर? परवेज अख्तर भाई। लोकेशन कहाँ की है? हाँ रिहाश, अगर गाड़ी आपसे कोई परचेज़ करना है पुलिस थाने जौहर की तरफ। ठीक है, तो जौहर चौरंगी की तरफ की लोकेशन है भाई की, और नंबर वगैरह ऐड कर दूंगा स्क्रीन पे। अगर आप लोगों को गाड़ी चाहिए परचेज़ करनी है तो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो अजाने हो जाएं उसके बाद मैं दोबारा कंटिन्यू करूँगा इंशाल्लाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, ये होंडा रिबॉन है 2012 का मॉडल है। गाड़ी टोटल जेन्युइन है, और अपने इंजन में है, फुल ऑप्शन वाली गाड़ी, सनरूफ वाली गाड़ी। गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में, आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ कर सकते हैं। ओनर का नंबर वगैरह डिटेल में मिल जाएगा आपको एंड में।
और इसके अलावा हम लोग बात करें टायरों की, तो ये देख सकते हैं आप लोग और लायर में इंस्टॉल है तकरीबन की 70-60% टायरों की कंडीशन भी गुड है, बाहर से कोई काम नहीं है गाड़ी में, बिल्कुल साफ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में। थोड़ी बहुत मदम नज़र आ रही होगी आप लोगों को, थोड़ी बहुत मट्टी हुई है इसके ऊपर लगी हुई है, मैंने खुद ओनर को मना किया, मैंने कहा चलो ठीक है ऐसे बना देते हैं वीडियो, उसने कहा था यार मैं साफ़ कर देता हूँ शानी भाई उसके बाद आप लोग वीडियो बना दें, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई रहने दो, इसी तरह हम लोग वीडियो बनाए थे कैमरे में साफ आ जाती। बहरहाल मैं आपको बताया जाता हूँ कि गाड़ी बाहर से साफ़ सुथरी कंडीशन में, कोई स्क्रेचेज नहीं है इतने, कोई डॉट स्पॉट नहीं है, गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में। तो माशाल्लाह गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में, अगर आप लोग ये गाड़ी परचेस करना चाहते हैं तो ओनर का नंबर पूरी डिटेल के साथ एंड में मिल जाएगा। माशाल्लाह गाड़ी ओवरऑल जेन्युइन कंडीशन में ही है। तो मैं पहले बाहर से गाड़ी विजिट करा दूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दरवाजे वगैरह से गाड़ी भी दिखाया था गाड़ी की पूरी, और ये डिगी साइड पर जिस तरह से, और ये गाड़ी मेरे ग्रुप में भी ऐड है, अगर आप लोग गाड़ी परचेस करना चाहते हैं तो आप लोग ग्रुप से ही परचेस कर सकते हैं। तो गाड़ी माशाल्लाह साफ़ सुथरी कंडीशन में है और लेदर कवर इंस्टॉल करवाया मेरे भाई ने। तो रूम साइड दिखाए जाते हैं, उसके बाद हम लोग ओनर से डायरेक्ट बात कर लेते हैं। रूम खोल दिए सर, तो ये माशाल्लाह रूम साइड देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में, कोई एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं है, साफ़ सुथरी कंडीशन है। तो अभी ओनर से मिलके बाकी डिटेल वगैरह क्या है वो पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या डिमांड करें सर इसकी? इसकी मांग है 18.5। 18.5। और गाड़ी के बारे में बताने, कितनी जेन्युइन है गाड़ी? ये गाड़ी तकरीबन ओवरऑल जेन्युइन है। अच्छा, एक आध पीस माइनर से टचअप है। ठीक है सर, और पूरी सेकंड ओनर गाड़ी है, हर चीज़ से क्लियर है, ऑन इंजन है, हर चीज़ क्लियर है। कितना चली हुई है सर ये गाड़ी? 84,000 चली। 84,000 ओरिजिनल माइलेज? ओरिजिनल माइलेज। ठीक है, कितने ओनर में है गाड़ी? सेकंड ओनर गाड़ी है, हर चीज़ उसकी है। बता दीजिए अपना बस। 0321 0321 920 920 2203 2203। क्या नाम है आपका सर? जव्वाद। जव्वाद भाई, लोकेशन कहाँ की? नॉर्थ कराची नागन चौरंगी। ठीक है सर, नॉर्थ कराची नागन चौरंगी लोकेशन। जव्वाद भाई का नंबर वगैरह ऐड कर दूंगा स्क्रीन पे, अगर आप लोग गाड़ी परचेस करनी है तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। गाड़ी बिल्कुल ही जेन्युइन कंडीशन में है, अगर आप लोगों को लेनी है गाड़ी तो ऑटो ट्रांसमिशन में, मैंने बताया ऑटो ट्रांसमिशन फुल ऑप्शन वाली सनरूफ वाली गाड़ी है ये। ठीक है, एक शादी आती है, एक सनरूफ वाली आती है, और ये सनरूफ वाली ऑटो ट्रांसमिशन में है। बहुत शुक्रिया। तो अस्सलाम वालेकुम, XLi है 2010 का, पक्का 2010 का है, नौ नहीं है, 2010 का मॉडल है, और गाड़ी बिल्कुल ही साफ सुथरी कंडीशन में है, बाहर से गाड़ी साइडों में से टचअप है, बाकी छत दिखी बोनस गाड़ी जेनी का है। आज़ान हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों से बाकी डिटेल ले लेता हूँ। तो आज़ान हो गई है और अभी मैंने कंटिन्यू कर दिया दोबारा वीडियो। तो गाड़ी के बारे में बता रहा था मैं आप लोगों को, गाड़ी साइड में से शावर्ड है, ऊपर से गाड़ी जेन्युइन है, जैसे छत दिखी बोनट हो गई गाड़ी जेन्युइन है, वो बता दूँ एंड में। बाकी बूफर वगैरह लगा हुआ है इसमें, बाकी भाई से पूछ लेंगे टैप सिस्टम वगैरह का भी सारा कुछ, और बैक कैमरा भी लगा हुआ है, LCD वगैरह भी इंस्टॉल की हुई है, और ये XLi है, GLI कन्वर्टेड है, 2010 का मॉडल है ये गाड़ी। तो अलार्म लगे हुए हैं देख सकते हैं आप लोग, बाकी ये कंडीशन दरवाज़ों के भी दिखाया जाता हूँ, तो ये चीज़ें चेक करने वाली होती हैं। और ये साइडें देख सकते हैं आप लोग, ये JNN की निशानी है, अगर आप बना भी लोगे तो और नज़र आ जाती हैं कि बनी हुई साइडें कैसी होती हैं। ये GLI कन्वर्टेड है, ये देख सकते हैं आप लोग, XLi में ये हैंडल होते हैं, ये हटा के GLI करवाया हुआ है। तो इसके अलावा इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर हम लोगों को बिल्कुल ही साफ सुथरी कंडीशन में मिल जाता है, LCD बैक कैमरा इंस्टॉल है, मैनुअल ट्रांसमिशन में ये गाड़ी, और ABS ब्रेक, और इसके अलावा डोर का ये फ़र्क होता है GLI और XLi में। तो बैक साइड से देखते हैं गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में। तो बाकी इसके अलावा इंजन रूम की तरफ बढ़ते हैं, इसका अपना इंजन भी पड़ा हुआ है। अच्छा, अभी एक हफ्ता हुआ इसका इंजन चेंज, चेंज करवाया हुआ है, एक हफ्ता हुआ है, अपना इंजन भी रखा हुआ है इसका, रखा हुआ है मैकेनिक के पास। ठीक है, अगर आप लोग परचेस करते हैं तो इंजन की बात भी कर लीजिएगा। बहरहाल ये इंजन अभी एक हफ्ता हुआ नया लगवाया हुआ है, ओरिजिनल वाला इंजन भी इसके बाद रखा हुआ है भाई के पास। तो गाड़ी अंदर से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में, कोई एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं है, अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो गाड़ी को इसी तरह से चेक कर लीजिएगा, मैकेनिक भी अपना लेके आइए, लेकिन गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी है। तो भाई से डिटेल वगैरह क्या है वो पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या डिमांड कर रहे हैं सर इसकी? 1380 डिमांड कर रहे हैं, कोई कमी पेशी हो जाएगी रेट में अगर आपसे कोई रब्ता वगैरह करें तो? हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, टैक्स वगैरह पेड है इसका? टैक्स कुछ शॉर्ट है, मैं आपको क्लियर देने का। अच्छा, मतलब जो लेगा तो क्लियर करवा के दे देंगे आप? अच्छा ठीक है, कितने ओनर में ये गाड़ी है? ये थर्ड ओनर में। इसके अलावा जब ये इंजन लिया है तो उसकी रसीद वगैरह तो होगी आपके पास ना? अपडेट तो नहीं करवाया होगा कब तक? ठीक है ना, सही है, नंबर बता दीजिए बस अपना। 0300 0300 2431 2431
545. क्या नाम है आपका? सोहेल भाई. लोकेशन? ये मलीर की. मलीर की. टायरों कंडीशन तकरीबन के 80% तक गुड है और नॉर्मल स्टेपनी टायर लगे हुए हैं. आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ अभी. तो माशाल्लाह से कोई इधर से आप लोगों को जंग या तो कोई स्क्रेचेस या ऐसा कुछ सीन नहीं है इधर से. और बाकी बैक साइड से देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी. VX है और AC लगवाया हुआ है. CNG फिटेड है. बाकी इसके अलावा पूछ लेंगे गाड़ी में कितने ओनर में गाड़ी और इसके अलावा कोई काम काज तो नहीं है गाड़ी में, ये बाद में बातें ओनर से मिल के कर लेंगे. तो गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में. तो ये देख सकते हैं दरवाजे साइड भी और हल्की थोड़ी बहुत जंग है यहाँ पे. बाकी इतने चारों दरवाज़ों में नहीं है, सिर्फ इस दरवाजे में. बाकी तकरीबन के 52,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है. AC ऑन है. लेदर कवर वगैरह लगवाए हैं इस गाड़ी में. 2010 का मॉडल है. इसकी प्राइस वगैरह क्या है वो भी पूछ लेते हैं. बाकी रूम वगैरह मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. रूम खोलें ज़रा. आप लोग को एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं है, अगर एक्सीडेंटल गाड़ी होती तो वो डायरेक्ट नज़र आ जाती है. रूम खोलते हुए भी और देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में. AC इंस्टॉल करवाया हुआ है. VX है. 2010 का मॉडल है. साइडों में से गाड़ी हल्की बुल्कि शावट है और छत दिखी बॉन्ट वगैरह इस गाड़ी का चेंज है. बाकी इसकी डिमांड वगैरह क्या है वो भाई से पूछ लेते हैं. तो इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं सर? इसकी 5 लाख रुपये डिमांड. 5 लाख रुपये डिमांड करें. कोई कमी बेच हो जाएगी अगर आपसे कोई रब्ता करेगा? ठीक है. टैक्स वगैरह पेड है इसका? जी सर. कितने ओनर में है गाड़ी ये तकरीबन? ये अपने पड़ जाएगी. क्या चीज़ है? कितने ओनर में है ये गाड़ी? ये फर्स्ट ओनर है. फर्स्ट ओनर में गाड़ी है. ठीक है. कोई कामकाज तो नहीं है ऐसे में, सस्पेंशन में या कहीं और? और AC CNG पेट्रोल वगैरह सही वर्किंग में, परफेक्ट में? ठीक है. बाकी नंबर वगैरह तो एक साथ ही दे देंगे ना आप? ठीक है. तो अस्सलाम वालेकुम. 2016 का मॉडल है. तकरीबन के 12,000 किलोमीटर की माइलेज है गाड़ी की. गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में आप लोग देख सकते हैं. और टायरों कंडीशन तकरीबन के 80% तक गुड है और स्टेपनी टायर नॉर्मल लगे हैं. अंदर की साइड में आप लोग गाड़ी दिखाया तो गाड़ी बिल्कुल ही ओके कंडीशन में है और पूरी जेन्युइन कंडीशन में अंदर से. तो बाहर से कितनी टचअप है वो भाई से बाद में पूछ लेंगे. पहले मैं आप लोगों को अंदर की तरफ से दिखाता हूँ. अंदर से पूरी गाड़ी जेन्युइन है और ये सीटें वगैरह देख सकते हैं आप लोग. और इंजन की साइड में आप लोगों को दिखा देता हूँ. तो ये इंजन साइड है. तो आयरूप का इंजन हमेशा सीट के नीचे होता है तो अक्सर मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाता. तो कोई भाई ज़्यादा दे देते हैं तो मैं दिखा देता हूँ. बाकी डैशबोर्ड कंडीशन भी आप लोगों को दिखा देता हूँ. तो सिस्टम को नहीं लगा हुआ, सिर्फ ये किट लगी हुई है आगे से वो निकाला हुआ. बाकी गाड़ी बिल्कुल ही ओवरऑल अंदर से जेन्युइन कंडीशन में. बाकी मैं आप लोगों को पीछे की साइड भी दिखा देता हूँ. डिगी की साइड से भी गाड़ी है तो डिगी की साइड से कुछ किस तरह से तो साफ सुथरी कंडीशन में देख सकते हैं आप लोग. और ओरिजिनल हालत में कोई इसमें मतलब कि अल्ट्रेशन नहीं की हुई, कुछ सीटों पे कवर नहीं लगवाया है. बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में जिस तरह आती है शोरूम से गाड़ी उसी तरह ही है. तो भाई से मैं पूछ लेता हूँ डिमांड वगैरह क्या है. तो अस्सलाम वालेकुम. कितनी जेन्युइन है बाहर से? एक पीस. इसके अलावा पूरी जेन्युइन है. ये वाला दरवाज़ा टचअप है. ठीक है. इसका एक ही दरवाज़ा टचअप है, बाकी इसके अलावा पूरी जेन्युइन है. फर्स्ट ओनर है. 2016 का मॉडल है. इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? ठीक है. 12,000 किलोमीटर चली हुई है सिर्फ. ये 12,000 किलोमीटर चली हुई है. ठीक है. ये तकरीबन ये 5वां साल चल रहा है. सिर्फ 12,000 किलोमीटर गाड़ी ये चली हुई है. डिमांड क्या करें सर इसकी? डिमांड करें 780. 780 डिमांड करें. कमी पेशी हो जाएगी इसके रेट में? कोई टैक्स वगैरह सब पेड है? कितने ओनर में? फर्स्ट ओनर में गाड़ी. ठीक है सर, बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. कोरे है 2004 और 2005 के रजिस्ट्रेशन, मतलब के दिसंबर 2004 है और नंबर जो है 2005 का लगा हुआ है गाड़ी. इसके अलावा टचअप है. पूरी गाड़ी शावर नहीं है. AC CNG पेट्रोल वगैरह परफेक्ट वर्किंग में है. बाकी साइडों में से देखते हैं, हल्के पुल्के साइड से डेंट नज़र आ रहे हैं मुझे. और इस साइड से देखते हैं गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में. बाकी ये हल्के फुल्के स्क्रेचेज हैं, ये अगर आप लोग ये क्लियर करवाना चाहते हैं तो इतना कोई बड़ा काम नहीं है. 1500-2000 रुपये में हो जाते हैं. तो ये बैक साइड से गाड़ी कुछ इस तरह से. बैक साइड से डिगी जो है वो डिगी पूरी की पूरी जेन्युइन है. ये जो लहरें नज़र आ रही हैं आप लोगों को, ये जेन्युइन की होती हैं क्योंकि कलर वगैरह फेड हो जाता है, इस वजह से ये लहरें आ जाती हैं. वही जेन्युइन कंडीशन में पूरी डिगी वगैरह गाड़ी फुल जेन्युइन. तो ये साइडों में से कुछ इस तरह से. तो गेप थोड़ा कम, इस वजह से मैं आप लोगों को इस तरह से नहीं दिखा सकता. बाकी उस साइड से मैं आप लोगों को छत वगैरह भी दिखा देता हूँ गाड़ी इस कंडीशन में. तो छत वगैरह, छत की बात करें तो छत भी जेन्युइन में है. और इस साइडों से दरवाज़ों की बात करें, दरवाज़ों की जो सीलें हैं बिल्कुल ही जेन्युइन कंडीशन में है. और बाकी ये देख सकते हैं आप लोग, कवर वगैरह इंस्टॉल करवाए हैं लेदर. और अंदर से भी गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी, इतनी कोई मतलब काम नहीं करवाना पड़ेगा अंदर से भी गाड़ी को और बाहर से भी गाड़ी जेन्युइन कंडीशन में. तो ये साइडों में से कुछ इस तरह से भाई. तो ये रूम साइड में आप लोगों को दिखाया था. या रूम खोलना ज़रा, इसका रूम खोल देना. तो
अस्सलाम वालेकुम। ये रूम साइड की कंडीशन कुछ इस तरह से, कोई एक्शन तो नहीं है, ये बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन नज़र आ रही होंगी। और इस साइड से देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में। बाकी एसी सीएनजी पेट्रोल वगैरह वर्किंग में है, अपने इंजन में 2004-2005 के रजिस्टर में, गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में है। और जो हल्के फुल्के डेंट नज़र आ रहे हैं ये आप लोग निकलवा भी सकते हैं, तो कुछ ज़्यादा काम नहीं है, 1500 रुपये का काम है। बाकी इसकी डिमांड क्या है वो पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या डिमांड करें सर इसकी? सर इसके 5 लाख रुपये। 5 लाख कोई कमी पेशी हो जाएगी रेट? कमी पेशी बिल्कुल, आप ऑफर दें अपने, बिल्कुल हम बेचने वाले हैं। ऑफर आप लोगों को वही देंगे जो गाड़ी लेने आएंगे। हाँ हाँ, उन्हीं के लिए। टैक्स वगैरह क्या सिस्टम है? टैक्स वगैरह सब कुछ हम क्लियर काम का, जैसे में सस्पेंशन में नहीं, कोई काम नहीं है। कितने ओनर में गाड़ी? ये कितने ओनर में? सेकेंड ओनर में गाड़ी है। ठीक है सर जी, तो ये गाड़ी सेकंड ओनर में है, 2004-2005 का मॉडल है और हल्के फुल्के डेंट है, कुछ ज़्यादा काम नहीं है। 3-4 हज़ार रुपये में आप लोग क्लेम करा देंगे। बाकी गाड़ी इस वक्त जो खड़ी है अपनी ही हालत में खड़ी हुई, पूरी ओरिजिनल हालत में खड़ी हुई है। चलें, तो क्या नाम है आपका सर? सर मेरा नाम हमजा है। हमजा भाई लोकेशन कहाँ की? लोकेशन इसकी है पुरानी सब्जी। एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे गाड़ियाँ अवेलेबल, पुरानी सब्जी मंडी में, एनी टाइम आप आ जाए। ठीक है सर, नंबर बता दीजिए भाई अपना। 0344-2155-2155-181। क्या नाम है आपका? तला भाई। ठीक है भाई, तो तला भाई के पास सारी गाड़ियाँ मौजूद हैं, पुरानी सब्जी मंडी की लोकेशन है। और किसी भाई को अगर इन गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी पसंद आ रही है तो भाई से रब्ता करके आप लोग ये गाड़ियाँ। तो अस्सलाम वालेकुम, एक गाड़ी है 2009 का मॉडल है, एल्टो VXR, और एक फाइनरेज गाड़ी का टचअप है। इसके अलावा गाड़ी है टोटल जेन्युइन कंडीशन में है। तो गाड़ी का मैं आप लोग साइड में पूरी विजिट करा देता हूँ और साइडों में से देखते हैं, कोई मतलब कि स्क्रेचेज नहीं है, कोई कहीं से जंग वगैरह नहीं है, कोई काम नहीं है बॉडी में, और लायरिम लगे हुए हैं तकरीबन के। इस गाड़ी की जो टायरों की कंडीशन है वो भी 70-80% तक गुड है। तो बैक साइड से देखते हैं गाड़ी को, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में डिगी साइड नज़र आ रही है आप लोगों को। इसके अलावा हम लोग ड्राइवर साइड की बात करें तो ड्राइवर साइड भी साफ़ सुथरी, हल्के फुल्के यहाँ पे स्क्रेचेज हैं लेकिन इतना कोई मायने नहीं रखते, कलम लग जाएगा, बाकी ये मेजर काम नहीं है इस गाड़ी का। तो अंदर से मैं आप लोग गाड़ी यूज़ करा देता हूँ। तो अंदर से कुछ गाड़ी इस तरह से है, एल्टो VXR 2009 का मॉडल, एक फाइंडर के अलावा बाकी पूरी गाड़ी है जेन्युइन है। फाइंडर कौन सा टचअप है वो भी आप लोग वो दिखा देता हूँ भाई से मिलके। तो नॉर्मल टाइप सिस्टम इंस्टॉल करवाया हुआ भाई ने, देख सकते हैं आप लोग फाइनर के स्पीकर लगे हुए हैं इसमें, और ये सीटों पर कुशन वगैरह लगाए हुए हैं, लेदर कवर भी कहते हैं, बहरहाल कुशन वगैरह इंस्टॉल करवाए हुए हैं। अंदर से पूरी गाड़ी जेन्युइन है, 100% जेन्युइन है। और रूम वगैरह खुला मैं रूम भी विज़िट करवा देता हूँ आप लोगों को। बाकी दरवाज़ों की साइड ये भी विज़िट करवा देता हूँ, दरवाज़ा ये किस तरह है तो देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल ओरिजिनल जेन्युइन सीले हैं इस गाड़ी की। और फाइंडर कौन सा टच अप है सर? कौन सा फाइंडर टच अप है इसका? स्कर्चिंग ये वाला फाइंडर, ये फाइंडर टच अप ज़्यादा ये वाला ही वाला है। अच्छा ये या वो कंफर्म नहीं है? ठीक है सर, तो एक फाइंडर सिर्फ टच अप है या लेफ्ट या राइट राइट साइड अगर आप लोग लेते हैं गाड़ी तो फिर आप लोग चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से कौन सा फाइंडर इस गाड़ी का टच अप है। तो इंजन रूम से गाड़ी कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में, और ये टिकली साइड देख सकते हैं आप लोग। तो ये चीज़ें होती हैं गाड़ी की चेक करने वाली। ये एक मिनट रोकिए सर, तो ये पट्टी वगैरह देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में। अगर आप लोग गाड़ी लेते हैं तो ये चीज़ें चेक कर लिया करें, अगर लगती है गाड़ी दोबारा जितना भी सीधा करने की कोशिश करें तो बंदे यहाँ पे निशान रह जाते हैं। बहरहाल ये जेन्युइन कंडीशन में, ये कलर वगैरह थोड़ा फेड किया हुआ है। बाकी इस साइड से देख सकते हैं, ये बैटरी का पानी वगैरह लगता है इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा इस तरह नज़र आ रहा है, बाकी ये जेन्युइन कंडीशन में है गाड़ी। तो भाई से डिमांड वगैरह क्या वो पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? सर इसकी डिमांड है 6.25 लाख। 6.25 लाख कमी पेशी हो जाएगी रेट में अगर आप कोई रब्ता करें आपसे तो? 6 लाख 10 हज़ार रुपये। असल में ये मेरे को जो 6.25 की मेरे को पड़ चुकी है घर पे। अच्छा, खुद पड़ चुकी है? थोड़ी नीड है पैसों की तो इसलिए मैं इसको 6-10 में। ठीक है, आपके होम यूज गाड़ी है? जी जी, मेरे अपने घर की गाड़ी है। ठीक है, टैक्स वगैरह पेड इसका? इसका 2 साल का टैक्स है बस। अच्छा, वो पे करके देंगे या कुछ जो लेगा वो पे करेगा? 2-3 हज़ार रुपये का टैक्स है, वो पार्टी पे करेगी। अच्छा, पार्टी पे करेगी। ठीक है, काम वगैरह गाड़ी में? सस्पेंशन में कुछ भी काम नहीं है, गाड़ी कहता होम यूज की गाड़ी है। अच्छा, इसी वजह क्या है जो नीड है आगे पैसों की गाड़ी होती है। ठीक है, कोई एसी सीएनजी पेट्रोल वगैरह सब वर्किंग में? सीएनजी पेट्रोल सब वर्किंग में। ठीक है सर, नंबर बता दीजिए अपना बस। मेरा 0331 0331 2151 582 582। क्या नाम है आपका? तैयब भाई। तो तैयब भाई लोकेशन कहाँ की है? ये नाजमाबाद पापोश। ठीक है, तैयब भाई का नंबर ऐड कर दूंगा स्क्रीन पे, किसी भाई को गाड़ी समझ में आ रही तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। 2009 का मॉडल, पूरी गाड़ी जेन्युइन है, एसी सीएनजी पेट्रोल वगैरह वर्किंग में है। बाकी टैक्स वगैरह थोड़ा बहुत जो है वो मिलके बात कर लेना, या तो फिर पार्टी पे करेगी या तो फिर ओनर, वो आपस में जब रेट तय करोगे तो उस टाइम ये टैक्स की बात भी की जाएगी। तो बहरहाल गाड़ी अच्छी कंडीशन में अगर आप लोग परचेज करनी है तो तैयब भाई से रब्ता कर लें। बहुत शुक्रिया।
तो अस्सलाम वालेकुम, होंडा सिटी है, 2005 का मॉडल है, बाहर से तकरीबन 60% तक जेन्युइन है, अंदर से जो है 100% गाड़ी जेन्युइन है, इंजन चेंज है इस गाड़ी का लेकिन बुक पे अपडेटेड है। तो गाड़ी मैं बाहर से विजिट कराया था, उसके बाद मैं आप लोगों ओनर से मिलके बाकी डिटेल भी दे दूँगा गाड़ी की। तो गाड़ी में बॉडी वाइज कोई भी काम नहीं आ रहा मुझे, ना स्क्रेचेस हैं, नहीं यहाँ पे कोई मेजर काम है। तो जब गाड़ी आप लोग ये परचेस करेंगे, बॉडी वाइज आप लोगों को काम नहीं करवाना पड़ेगा, बाकी स्टेपनी टायर लगे हुए तकरीबन 60-70% तक टायरों की कंडीशन भी गुड है, मतलब कि आपको एक साल तक टायरों की भी चेंज करवाने की नीड नहीं पड़ेगी। तो 2005 का मॉडल है। तो गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में, बाहर से बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन कंडीशन में, छत साइड भी 60% जेन्युइन है गाड़ी और 40% कहीं कहीं से गाड़ी है टचअप है। फिर भी आप लोग लेते वक्त गाड़ी को सही तरह से चेक कर सकते हैं, मैकेनिक अपने साथ लेके आ सकते हैं और दरवाज़ों की साइड दे सकते हैं, तो ये सीलें वगैरह दे सकते हैं। ये बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में, अंदर से पूरी गाड़ी जेन्युइन है और ओरिजिनल कवर में है ये गाड़ी। ठीक है, ठीक है, जीरो का जीरो है। ठीक है, तो इंटीरियर देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में, पावर विंडो में है, पावर मिरर है, इसके अलावा पावर स्टेयरिंग है, मैनुअल ट्रांसमिशन में, इंजन चेंज है लेकिन बुक भी अपडेटेड है, नॉर्मल टाइप सिस्टम लगा हुआ है इसमें। और ये देख सकते हैं इंटीरियर बिल्कुल ही साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन कंडीशन में। बाकी कितना चली हुई है, कितने ओनर में है, कितना डेक्स पेड है, वो तो ओनर से हम लोग मिलकर पूछ लेंगे। बाकी इंजन में आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो कैप्टन साहब, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये गाड़ी है 2005 का मॉडल है और गाड़ी साफ सुथरी कंडीशन में, अगर आपको समझ में आ रही है तो गाड़ी भाई से मैं इसकी डिमांड वगैरह पूछ लेता हूँ। तो पिछली बार मैंने ये गाड़ी दिखाई थी, शायद वो सेल हो चुकी थी। तो ये गाड़ी का इंजन है और इंजन ये चेंज है, बुक पे अपडेटेड है। तो ये देख सकते हैं आप लोग जंप साइड, तो अस्सलाम वालेकुम, क्या डिमांड करें सर इसकी? इसकी सर 9,90,000 रुपये डिमांड है, फाइनल मिलेगी 9,70,000। फाइनल 9,70,000 रुपये, ठीक है। इंजन चेंज है, बुक पे अपडेटेड है, अपडेटेड है, कागजात क्लियर है, टैक्स पेड है। अच्छा, कोई काम तो नहीं गाड़ी में, सस्पेंशन से लेकर ही कहता है। ठीक है सर, नंबर बता दीजिए अपना बस। 0303-0303-2323-0260-6969। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमील। मोहम्मद जमील भाई, लोकेशन कहाँ की है? मेरी सरजानी टाउन। सरजानी टाउन की लोकेशन है। KDA फ्लाइट की नंबर जो है मोहम्मद जमील भाई का मैं ऐड कर दूंगा स्क्रीन पे। किसी भाई को गाड़ी समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो आप लोग भाई से परचेज कर सकते हैं। अंदर से गाड़ी 100% जेन्युइन है, बाहर से गाड़ी जो है 60% जेन्युइन है, 40% कहीं कहीं से टचअप है। गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में, बॉडी वाइज गाड़ी में बाहर से कोई काम नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल के बटन दबा दें ताकि मैं न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।